हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक यू। मेरा नाम अनिल है। तो आज का वीडियो काफी बेहतरीन, तो एंड तक देखिए। तो है, हमने अमेजोन बेसिक की चेयर ऑर्डर की थी। एक वाली चेयर काफी सस्ती पड़ी थी हमें, कुछ 4,500 में पड़ी थी। कुछ 8,500 का एमआरपी था, 4,500 में पड़ी। तो काफी सही चेयर है, इसका अनबॉक्सिंग करेंगे। मैंने गैलेक्स का चेयर लिया था, तो उससे बेटर ये होगा मोस्ट प्रोबेबली। गैलेक्स का मुझे 22,000 का पड़ा था, तो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो चलिए गाइस, चेयर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो क्वांटिटी 1 लिखा है, प्राइसिंग यहाँ पे लिखा है 13,500। ब्लैक कलर का मॉडल है हमारा, वेस्ट बंगाल में मार्केटिंग का, इसको वेस्ट बंगाल का मैन्युफैक्चर या किसने किया, भिवंडी में किया मैन्युफैक्चर, और अमेजोन का खुद का ही है। इसके अंदर क्या क्या मटेरियल आता है, ये बॉक्स है, इसके अंदर कुछ तो है, खाली है शायद से। हाँ, खाली बॉक्स ही है, ऐसे दिया था खाली बॉक्स है। हाँ, इसमें कुछ है, हेवी लगा, इसके अंदर कुछ तो दिया हुआ है कंपनी ने, तो इस बॉक्स को हम साइड में रख देंगे। ये जो नीचे का है वो तो गैलेक्सी चेयर में अलग अलग आया था, मुझे व्हील्स अटैच करने पड़ते, इसमें तो व्हील्स के साथ आ गया ये, तो हम यहाँ पर रख देंगे। ये नीचे वाला पार्ट है और ये है इसका बुकलेट। तो इन शॉर्ट चेयर कुछ ऐसी बनने वाली है, जिसमें हेडरेस्ट भी दिया है, बैक रेस्ट के लिए भी ज़्यादा सपोर्ट है, और ये ब्रीथेबल है, तो देखते हैं अभी होपफुली अच्छी हो। तो इसका हम अटैचमेंट स्टार्ट कर देते हैं। तो अनबॉक्स कर चुका हूँ, सिर्फ 3 पार्ट में चेयर आई है। जो नीचे का, ये जहाँ पे बैठेंगे, ये नीचे का बेस है, बैक रेस्ट है, और ये नीचे का जो व्हील सपोर्टिव, जिसको पैर है, पहिए हैं, व्हील्स लगे हुए, और इसमें जो हेडरेस्ट है ऑलरेडी अटैच आया हुआ है। तो जो गैलेक्सी में कुछ नहीं था, सारा पार्ट्स में था, हमें असेंबल करना पड़ा था। तो इसको 1-2 मिनट में हम ज्वाइन कर लेते हैं। और ये जो बॉक्स था, ये बॉक्स ओपन नहीं किया, बॉक्स के अंदर आई थिंक कुछ फिटिंग का सामान हो सके होगा मोस्ट प्रॉब्ली, तो इसको हम ओपन करते हैं।
जी ये चेयर का पूरा सेटअप कर दिया है मैंने, तो ये अपना हेडरेस्ट है, ये बैक रेस्ट के लिए यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है, तो इस नॉब से हम इसका थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे दो नॉब दिए है और यहाँ पे भी हेडरेस्ट का ये थोड़ा ये दिया है, इसको हमें ये बटन दबाने के बाद इसको जैसा चाहिए वैसा अपन ये कर सकते हैं मूवमेंट। और ऊपर से भी एक चीज़ आती है कि हाइट एडजस्टमेंट, तो अभी यहाँ पे हाइट एडजस्टमेंट के लिए ये नॉब है, तो ये नॉब दबाएं तो हाइट नीचे जाती है, वापस थोड़ा ऊपर उठ के ये दबाएं तो हाइट इसकी ऊपर नीचे हो जाती है, तो वो काफ़ी सही चीज़ है। तो 4,500 के रेट के हिसाब से तो ये काफ़ी बढ़िया चीज लगी मुझे। ऊपर से इसका ये जो यहाँ पे बटन दिया है कंपनी ने, तो ये बटन दबा के ये ऊपर नीचे इसका भी हाइट एडजस्टमेंट हो जाता है, तो मेरे हाइट बचाता है, तो मुझे ये एंगल काफ़ी सही है, अगर मैं इसको नीचे होता है काफ़ी मुझे नीचे लग रहा है, तो ये इस सबसे इसका ये हाइट का हाइट के लिए काफ़ी सही है। और ये भी आगे पीछे ये हो जाता है कि हमें आगे चाहिए पीछे चाहिए, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी एक बटन दिया है, तो इसका अपन हाइट एडजस्टमेंट दोनों का कर सकते हैं। अभी दोनों का मैंने हाइट एडजस्टमेंट कर दिया है और दोनों का ऊपर ले लिया है, तो काफ़ी सही लगी, कम्फर्ट है, ब्रीदेबल कुशन है, ये भी कुशन की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, इतनी खास नहीं है, पर 4,500 के अंदर आपको और क्या ही चाहिए, तो सबसे तो ओवरऑल। और ये रोटेटिंग है, 360 रोटेट होती है, तो भी काफ़ी सही, और वो सबसे जो, और इसका तो 1 साल का वारंटी तो मिलेगा ही, तो और तो चेयर काफ़ी सही लगी। इसका मैं 1 महीने बाद एक प्रॉपर रिव्यू डालूंगा कि 1 महीने बाद मुझे यूज़ करके कैसे लगा, क्योंकि मैं नॉर्मल प्लास्टिक वाली चेयर यूज़ करता था इसके पहले, तो उसके से मुझे पीठ दर्द थोड़ा होने लग गया था, तो इसके लिए मैंने ये चेयर ली। और जो गैलेक्सी की चेयर थी वो भी ली थी हमने, और गैलेक्सी की चेयर मैंने यूज़ करके रिटर्न की, क्योंकि वो मुझे इतना वर्थ इट लगा नहीं कि जितना मैंने उसको 22,000 रुपये पे किया था। 36,000 की चेयर थी वाइट कलर में, पर हमें ऑफर में 22,000 में मिली थी, पर 22,000 भी उतना वर्थ इट लगा नहीं गैलेक्सी चेयर के लिए मुझे। और बीच में 15,000 की सेल में आई थी, पर वो मिस आउट कर दिया था मैंने, तो इसलिए मैं 22 पे ली, अगर 15 में ली होती तो एक टाइम ठीक हो गया था कि 15 में चलो इट्स ओके, कि 15 में बाकी गेमिंग चेयर्स के अलावा गैलेक्सी चेयर थी, पर 22,000 रुपये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस लगा मुझे इस टाइम के मार्केट के हिसाब से। तो ये मुझे काफ़ी ओवरऑल तो सही कम्फर्ट लगा, तो ओवरऑल तो ये मुझे चेयर काफ़ी सही लगी। तो गाइस आपको लेनी होगी तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, व्हाट्सएप बाय कर सकते हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और इसका भी मैं कंपेरिजन वीडियो जल्दी अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं वापस।